सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, एक सब ये पे अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो भाई आज एक बहुत तरह वाला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और भाई जिसने अभी तक यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई। यार सिर्फ एक बटन दबाने का काम है और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा देना। तो आज बनाने जा रहा हूँ एक बहुत तरह वाला रोस्ट वीडियो जो है इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर। तो भाई आज मैं जैसे कि मैं रील स्क्रॉल स्क्रॉल करता था, वैसे इंस्टाग्राम मेरा कोई काम तो है नहीं। इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करता भाई, जो 4-5 रील्स मेरे सामने है ना भाई, उसको देख के ना मेरा दिमाग बहुत तगड़ा आइडिया आया कि यार आज इनको रोस्ट करता हूँ। तो गाइज आज बहुत तगड़ा रोस्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपने वीडियो पसंद आया, वीडियो लाइक जरूर कर देना, ठीक है गाइज। और सो है ना मेरे वीडियो को यार आगे शेयर भी कर दिया करो भाई। यार छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ भाई, ठीक है। और मतलब वीडियोज बना रहा हूँ, यूट्यूबर बनने की तमन्ना तो है भाई, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आगे शेयर जरूर करना, ठीक है। तो बिना किसी देरी किए मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ, ठीक है गाइज। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, ये देखिए गाइज पहला वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहला वीडियो एक मोहतरमा का देखिए आप। बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। भाई यार इस वीडियो को देख के कोई भी बच्चा डर जाएगा भाई, तो सोचो मेरा रिएक्शन क्या हुआ होगा, ठीक है। तो भाई मैं बता दूंगा कि यार जो है ना रावण का जो बेस बदले, तो रावण नहीं है भाई, बहन तू रावण नहीं है यार, तू है ना ताड़ का लग रही है। और तू ये जो वीडियो बनाने है बना रही है ना भाई, इसकी ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस वीडियो पर इतने लाइक कैसे आ गए भाई। लोग लाइक करते कैसे भाई, हम जो है हमारे इतने मेहनत करते, इतना तगड़ा तगड़ा वीडियो बनाते हैं कंटिन्यू यार, है ना कंटेंट लाते हैं, फिर भी यार हमारे वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे, ना लाइक्स आ रहे, ना सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो भाई हम भी है, मैंने सोचा है कि भाई मैं भी ऐसा वीडियो शुरू हो जाऊँ, ऐसे वीडियो बनाना चालू कर दूँ। कि भाई लाइक तो करोगे भाई, यार एक बार बता दो, मैं ऐसे वीडियो शुरू कर रहा हूँ मेरा लाइक नहीं आ रहे। तो भाई बता दूँ यार इस बहन से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसे बेस मत बदला कर भाई, यार बच्चे डर जाएंगे तुझसे। और एक बता था, अगर तेरी फ्यूचर में सगाई हुई, ठीक है, अगर तेरे हस्बैंड को पता चला कि यार ये तो ये है, तो भाई वो ना तुझे ऐसे छोड़ के भाग जाएगा तुझे, ठीक है। तो भाई अगला वीडियो शुरू करता हूँ, इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगला वीडियो देखिए आप। तो देखिए एक और वीडियो। हेलो राहुल, कहाँ पे हो? मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ प्यार करने के लिए, जल्दी आओ। राहुल आई लव यू। तो देखा गाइस, तो भाई राहुल कहाँ है? राहुल राहुल कहाँ चला गया? राहुल तुझे बुला रही है भाई, वो तेरा इंतजार कर रही है भाई, तेरे प्यार में पागल हो चुकी है वो, ठीक है। और तुझे अभी आई लव यू बोल रही है भाई, तुझे शादी करना चाहती है, तू है कहाँ? एक मिनट मैं ढूंढता हूँ, रुका एक मिनट ढूंढता हूँ भाई। राहुल यार जय मंगो, रुको मैं शायद जय मंगा। हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, देव में नहीं है राहुल यार, भाई राहुल जल्दी बुला रही है, जल्दी जा यार, का है कहा तू? जाए कहीं भी है ना, जल्दी इसके पास पहुंच, वरना ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी, जल्दी जा भाई जल्दी। तो देखिए एक और वीडियो। तो इस बहन से पूछा गया कि मतलब बॉयफ्रेंड में क्या क्या होनी चाहिए, जैसे लड़कों को लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती है तो उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए। तो आप एक बार एक पहले खूबियां सुन लीजिए। बॉयफ्रेंड में लड़कों में क्या क्वालिटी चाहिए? जिसकी पैसा होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, और लुक भी अच्छा होना चाहिए कि कहीं लेकर जाना तो छुपाना ना पड़े। अच्छा पैसा होना चाहिए, तुम्हारे पास है पैसा? एक बात बता, तुम्हारे पास है? नौकरी भी होनी चाहिए। तो बहन तुम्हारे पास नौकरी है क्या है जो तू लड़कों में ढूंढ रही है? तो भाई एक बात बता दू, इस लड़के को कोई कोई भाव मत देना यार, ये बोले लुक अच्छा होना चाहिए। भाई लड़कों का लुक अच्छा नहीं है क्या? भाई मेरा लुक अच्छा नहीं है क्या? देखो इतना सिंपल हूँ। और एक बात बताऊं, इस लड़की से ज़्यादा स्मार्ट तो मैं दिख रहा हूँ यार, ठीक है, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। तो इस बहन ने बोला कि लड़कियों का लुक अच्छा होना चाहिए और खुद की शक्ल शक्ल चाहे छोले भटूरे जैसी हो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस अच्छा चाहिए, पैसे चाहिए यार। एक बात बताऊं यार, आजकल की जो लड़कियां है ना वो सिर्फ पैसे मरती है, उनको लुक से कोई मतलब नहीं है। और जो लुक अच्छे लुक वाले लड़के होता है ना भाई, वो है ना खासकर सिंगल रह जाते हैं, ठीक है। तो भाई जिसकी जेब में गांधी, छोरी उसको प्यार में आंधी, पैसा कमा मौज काटो की जिंदगी में यार कुछ कोई नहीं है। इस बहन को बता दो एक बार यार, सारे लड़के कमेंट कर देना, ठीक है गाइस कमेंट कर दो फटाफट। तो लीजिए भाई लोगो, एक बार फिर सलमुद्दीन मेरे सामने आ गया है, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते थे, ठीक है। एक बार ये वीडियो भी देख लीजिए आप, सलमुद्दीन का बहुत मेहनत से बनाता है भाई। सॉलिड बॉडी जिगर में दम। अच्छा सॉलिड बॉडी जिगर में दम, तो सलाबुद्दीन बता दूं, संभल के रहिए वरना खा जाएंगे हम, ध्यान रख लेना। तेरी जो बॉडी है ना भाई, अगर किसी ने एक ही थप्पड़ मार दी ना तेरे तेरी पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी, ध्यान रख लेना। अगर तू प्लास्टर भी कराएगा ना तो पूरा प्लास्टर, तो एक पिरामिड लगेगा, तेरी पूरी बॉडी क्रैक हो जाएगी।
इसलिए कह रहा हूँ संभल कह रहे। और भाई इसके साथ एक और आ गया, इसकी कमी थी, एक और आ गया। दो अब झेलो इन दोनों भाइयों को, झेलो। तो लीजिए, एक मैडम और आ गई, इनकी कमी थी, देखिए इनको भी एक बार। ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार खुल जाए तो दोबारा छोड़ नहीं सकती? तो फ्रेंड्स, इसको इस लड़की को इसकी भाषा में समझाता हूँ, ठीक है? देखिए तो मैडम, वो चीज है तेरा दिमाग जो खुल के गिर गया है और वापस कभी नहीं हो सकता। अरे भाई यार, एक चीज समझ में नहीं आ रही भाई, इंस्टाग्राम में ये होक चल क्या रहा है इंस्टाग्राम पर यार? कहीं क्या बताऊं, इस लड़के का वीडियो देख लीजिए फिर बताता हूँ क्या हुआ। इस लड़के का वीडियो देख लो यार एक बार, देखिए। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं नहीं, मेरा प्यार याद आएगा। भाई इस लड़के को है ना बहुत गहरा वाला प्यार हुआ था, जो इसकी दिल दिमाग उनसे सबों में चला गया है, तो इसलिए ऐसे इस वीडियो बना रहा है। मैं नहीं, मेरा प्यार याद आएगा। भाई यार एक बता दूं, बाह बताऊं राज की, भाई हमें तो कभी प्यार नहीं हुआ यार, हम सिंगल लंड है, हमें तो कभी प्यार ही नहीं हुआ। पता नहीं लोगों को प्यार हो जाता कैसे, वो भी इन छपरियों के प्यार यार हैं। हम यार इतने स्मार्ट लड़के, देखो एकदम लुक बहुत अच्छा है, फिर भी ये प्यार नहीं होता और इन छपरियों को प्यार हो जाता है। तो भाई बता दो, जिस लड़की ने इसको धोखा दिया ना भाई, उसकी कभी शादी नहीं होगी, ठीक है? अगर शादी भी हो गई ना तो उसके बच्चे नहीं होंगे। एक बात सोच लो, अगर बच्चे भी होंगे तो सारे गंजे होंगे, एक बात बता देता हूँ, ठीक है? तो भाई, तो यार इस बच्चे को अगर किसी लड़की ने धोखा दिया ना भाई, यार संभल के रहना तुम। इस लड़के ने एक बार तेरा नाम ले लिया ना तो भाई इसके सिस्टम, तेरा पूरा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है? तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का मैं मेरी वीडियो ये समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है गाइस? यार एक बार मुझे ना कमेंट जरूर किया करो यार, कमेंट में बताया करो कि मेरा वीडियो कैसा लगा, जिससे ना मैं अपनी मतलब जो कंटेंट है उसमें बहुत थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकूँ, ठीक है? तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा भाई। लोगों आपके जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, फेसबुक के ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम के ग्रुप हैं भाई, उसमें ना मेरी वीडियो शेयर करो भाई। यार मैं आपका अपना खुद का भाई हूँ, ठीक है भाई? अगर आपके गांव का लड़का कोई फेमस होगा तो भाई आपके गांव की तरक्की होगी, ठीक है? और एक बार बता दूं भाई, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, प्लीज़ यार, प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ यार, सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है? सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन की जरूर दबा देना, क्योंकि मेरे वीडियो में ऐसे आते रहेंगे, बहुत तगड़े तगड़े वाले वीडियो आते रहेंगे, रोस्टिंग आती रहेगी, ठीक है? तो बेल आइकन जरूर दबा देना, जो आने वाले सबसे पहले वीडियो तक आप तक पहुँच पाए। तो ठीक है, चलता हूँ, जय श्री राम।